आरोप लग गया, उस काम से फ्री हो गए। अब चलते हैं काशी के लिए, आगे होगा उस टाइम मिल गया। तो ये तुमको कैसा लगा मैंने बाहर से मंगवाया ये? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी। ये घर में बनाया है हमने और ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाहर का जैसा है ना ये पूरी रेसिपी और ये सब कुछ पूरा डाइट ये सब आकाश ने। ये हमारा ये एक्चुअली जब मेरे तुम्हें याद है मेरे 2020 में एप्स आ गए थे। हाँ। एक महीने में आए थे, सिर्फ एक महीने में मेरे बिजी होने लगे थे और मैं उस टाइम प्रॉपर डाइट लेता था तो मेरे डिनर में ये था। ये अच्छा है, सब्जियां भी है ना। नहीं थोड़ा जब इफेक्ट दिख जाएंगे तो आप लोग मुझको बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ। बट नॉट और ये सीरियसली मतलब हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है, बहुत टेस्टी है। हाँ, मैं अभी डाइट पे वापस से जा रहा हूँ और मैं प्रिया को भी लेके जा रहा हूँ। मैं अच्छा अच्छा खाऊंगा, मैं बहुत दिनों से ऐसे ही खा रहा हूँ। ये हल्का भी है, एक्चुअली हल्का भी है, ये तुम खा सकते हो। हाँ। रात के टाइम। हाँ। वही ना चावल वो है, ब्राउन राइस है। हाँ। तो सबसे बढ़िया चीज है और वो सब चीजें जो बाद में बताएंगे जब हम थोड़ा जब हमें प्रिया को खुद इफेक्ट देगा, प्रिया खुद बता देगी तुमको, पर पहले इफेक्ट दिख जाए प्रिया को, प्रिया को खुद इम्प्रेस हो उस चीज से कि हाँ भाई कुछ है, कुछ है। और अच्छा लगा मुझे, सही में एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे पता थर्सडे वरना मंडे खा लेता। नहीं पूछे पता मुझे क्या लगा था कि पता नहीं क्या ये बनेगा, वो गंदा चंदा था, मैं तो नहीं खाने वाला। अगर मैं तो इसमें हरी चटनी ना लाऊं तुम इसको उल्टी कर देते, क्योंकि ये मैंने बहुत टेस्ट पहले तो मैं बिना हरी चटनी खाता था। अच्छा, पहले बिना हरी चटनी खाता था मैंने, लिटरली मेरे ऐसा होता था। फिर मेरे जिम वाले ने बोला तुम अपने आप को क्यों वो दे रहे हो, क्या बोलते हैं हरी चटनी में, तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, तो सिर्फ मिर्ची और धनिया और पुदीना का होता है, तो उसमें तो ऐसा कुछ फैट का कुछ है ही नहीं चटनी में। पर उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है, पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि वापस से बैक टू द ट्रैक, जब हो जाएगी चीजें ना तब विजिबल तब बताने में ना मजा भी आएगा। फिर हाँ वही है ना, जब तुम्हें इफेक्ट खुद दिखने लगे तब तुम शेयर करो। अभी एक महीने का प्रॉपर पूरा वो है ना तुम्हारा? नहीं, अब मेरा हमेशा के लिए, मेरे को एक महीने वाला पंगा नहीं पड़ना। आई हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट माय बॉडी। तो कभी कभी मतलब इन कभी वंस इन अ व्हाइल अगर कभी हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम ये सब चीजें खाने वाले हो, राइट? लेट्स गो। पर मैं सैटरडे संडे को मजे करूंगा, कुछ भी एनीथिंग। मैं ये भी खा लूंगा तुम्हारे साथ, मैं तो जितना खाऊं इस टाइम उतना अच्छा है मेरे लिए, है ना? अच्छा है, अच्छा, चलो खाते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज राजा बाबू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग क्या, मैं जा रहा हूँ स्कूल। और राजा बाबू के चेहरे पे आज ग्लो आ रहा है क्योंकि राजा बाबू आजकल डाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा चमक चेहरे में, जो नूर जिसको बोलते हैं आप कह सकते हैं कि वो हमारे चेहरे पे आ रहा है। कल हम लोगों ने कार चलाई थी और कल मैंने भी कार ट्राई की थी स्कूल में, एक मेरे फ्रेंड की है तो वो मैंने ट्राई की थी, तो ऐसे ही करके हम लोग सीख जाएंगे। और अभी मेरा लंच पैक हो गया है और वहाँ पे प्रिया बना रही है अपने लिए खाना, तो मैं दिखाता हूँ क्या बना रही है। थोड़ा तेज बोलना होगा क्योंकि पीछे फैन चल रहा है, फैन चलता है तो प्रिया बोलना होती है। ये क्या पिज्ज़ा बना रहे हो तुम? नहीं, ये लोबिया और राजमा बन रहे हैं। अच्छा, और इसमें अरबी बन रही है। ठीक है, उबाल लेना अरबी को पहले, वो उबाल वैसे ही बन रही है। तो अभी मैंने चीला खाया था, ठीक है, ये मैंने आटा दाल वाला आटा, एक रोटी खाऊंगा बस, एक ही खेले इसलिए छोटा थोड़ा सा। तो अभी मैंने चीला खा लिया है। आज तो तुम्हारे मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटी थी। आज तुम देखो राजा बाबू कितने अच्छे लग रहे हैं। कल करी थी, कल फ्राइडे था। ध्यान दिए राजा बाबू हमेशा राजा बाबू ही रहेंगे, चाहे शेविंग करे चाहे ना ही करे। तो अभी राजा बाबू जा रहे हैं स्कूल, तो राजा बाबू तुमको मिलेंगे आने के बाद, तब तक आप राजा बाबू से प्यार करते रहिए और खुश रहिए। और यहाँ पे राजा बाबू की राजा बाबिन बाबिन बाबिन। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय गाइस, बाय बाय। सो आज मैंने बहुत सारी चीजें बनाई है सुबह से लगी हुई, तो मैंने आज बनाया है बेसन का चीला, जो कि दो आकाश रखे हैं, दो मैंने अपने रखे हैं। उसके अलावा मैंने बनाया है उत्पम, जो कि मैंने इतने पीस पीस बड़े बड़े मैंने चार आकाश के बनाए हैं और दो तीन अपने लिए बनाया है। उसके अलावा उसके लिए पनीर सैंडविच, जो कि आज उसका
या ब्रेकफास्ट मान लो या फिर जो भी उसका टिफिन था वो, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जितने कि मेरे हैं, अलग अलग चीज़ें इसमें हैं, शीट्स हैं इसमें और किशमिश है इसमें और काजू हैं और भी ऐसे दो तीन चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम रखते हैं। पूरा अच्छे से खाना शुरू कर रहे हैं और वैसे मैंने आकाश को बोल दिया कि मैं जितना मतलब मैं ट्राई करूँगी घर में जितना अच्छा खा सकती उतना खाऊँ, और अगर इस मेरा कभी मन करता है तो मैं बाहर का खा लूँगी, क्योंकि पता नहीं आजकल मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ बाहर का खाना है तो खा लूँगा, तो वैसे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब ऐसा होता ना कि जब घर में खाना बन जाता है तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं बाहर खाऊँ, तो इसीलिए हम खाएंगे। और उसके अलावा आज बना रही हूँ राजमा और लोबिया, इसका भी मसाला पक रहा है, और एक साइड में बन रही है हमारी अरवी, तो ये हमारी मतलब दोपहर का जो हमारा लंच है वो रहेगा, तो ये दो सब्जियां रहेंगी, उसके अलावा सैलेड और रायता, और मैंने आटा माड़ा मैंने दाल वाला। आजकल थोड़ा सा ये है कि वैरायटीज खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और आकाश का स्पेशली कि सब्जियां भी जानी चाहिए, दाल या राजमा कुछ प्रोटीन भी होना चाहिए और भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा हम अपनी मेडिसिन भी ले रहे हैं जो हमारी विटामिन और कैल्शियम की है, मैं विटामिन डी भी ले रही हूँ क्योंकि मैं विटामिन डी नहीं ले पाती हूँ सुबह वाली, क्योंकि मेरे को सुबह उठते ही सीधा मुझे खाने बनाने के लाना पड़ता है तो मैं नहीं ले पाती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी अभी मुझे खाना पका के, अगर धूप अच्छी हो रही होगी ना, जो थोड़ी होती है ना कि सन जो सुबह सुबह वाली धूप होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, अगर वो होगी तो फिर मैं वो भी ले लूँगी, क्योंकि इन सब की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चुका है आटा माट में लग गया है, बस जो आकाश आएगा तो उससे थोड़ी देर पहले मैं बना के रख दूँगी, अभी तभी तभी बना दूँगी, और अभी मेरे पास है ये सारे कपड़े क्योंकि कल बारिश आई थी तो सारे कपड़े मुझे अंदर डालने पड़े, ड्रायर तो हो गए थे और थोड़े से सूख भी गए थे, स्टिल भी मुझे हल्के हल्के गीले से लगते थे, मैंने सारे यहाँ डाल दिए और कुछ यहाँ डाल दिए, तो मुझे भी सारे के सारे तय करके रखने हैं। थोड़ा सा आज वैसे काम कम है मुझे, आज वैसे अपनी खुद की वीडियो नहीं बना रही क्योंकि मैंने कल बहुत सारी वीडियोज़ बना रही थी, तो पहले मैं ये ख़त्म करती हूँ उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, अगर टाइम होगा तो हम और वीडियो बना लेंगे, एक्स्ट्रा में जितनी हो उतनी अच्छी है। यहाँ पे मैंने ये स्प्राउट्स के लिए ये दाल और चने कर दिए थे जो कि हम कल खाएंगे, और इनके आज अच्छे से स्प्राउट्स बन जाएंगे। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये वाली वीडियो मैं अब 6th या 7th बार शूट कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी जस्ट ये है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, जितना भी घर का काम था मोटा मोटा सारा हो गया, छोटा मोटा बचेगा जो होगा मतलब मिलेगा आगे जो भी आएगा तो कर लेंगे, उसके अलावा मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, और लगभग अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी दीदी का ही मैसेज आ गया, दीदी भी आने वाली है, तो चलो गेट खोलते हैं, साफ सफाई वगैरह करवाते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट जो भी मैंने बताया सारा काम हो ही गया है, तो अपना वीडियोस कर लेती हूँ और फिर हम आकाश आ जाएगा तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, ब्रेकफास्ट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, आकाश आएगा तो आकाश के साथ खाऊंगी, फिर हम कार चलाने जाएंगे, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, और ये अच्छी चीज़ है कि आज शाम को आकाश की कोई क्लास नहीं है और कल संडे है तो कल छुट्टी है, तो बेचारा वो थोड़ा रेस्ट कर लेगा, और अभी 2 दिन हुए स्कूल जाए हुए, उसे थोड़ा सा सैक्टिक लग रहा है क्योंकि पूरे महीने की छुट्टी थी और फिर भी 2 दिन से हो जा रहा, थोड़ा हेक्टिक सा लगता है, तो भी संडे का ब्रेक मिलने वाला तो उससे थोड़ा मज़ा आएगा, चलो
मतलब गेट खोले तो नहीं बात होता चक्कर में गेट खोलना भूल जाऊंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।